नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अवैध बालू खनन मामले को लेकर सरकार की कार्रवाई और ज्यादा सख्त होती जा रही है। इस मामले में जो भी आरोपी पाए जा रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन पर सरकार की गाज गिर रही है। बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर 3 CEO समेत 4 DSP और 2 SP को निलंबित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला अवैध बालू खनन मामले में लिया गया है। एक एक कर हम आपको सबके नाम भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह बता दें कि अवैध बालू खनन मामले में 2 SP, 4 DSP समेत 1 SDM, 1 MVI और 3 CEO पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इन लोगों को पद से निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 SP जिन पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिन्हें निलंबित किया गया है, उनका नाम सुधीर पोरिका और राकेश दुबे है। सुधीर पोरिका औरंगाबाद में कार्यरत थे और राकेश दुबे भोजपुर के SP थे। इन्हें कुछ दिनों पहले ही मुख्यालय तलब किया गया था, वहां पर उन्हें क्लोज किया गया था, लेकिन आज फैसला निकल कर आया है कि इन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 4 DSP के नाम भी इसमें शामिल हैं जो इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। साथ ही साथ 3 CEO जिनमें कोइलवर के CEO अनुज कुमार, पालीगंज के CEO राकेश कुमार और औरंगाबाद बारून के CEO बसंत राय का नाम शामिल है। इन लोगों को भी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ मोटरयान निरीक्षक विनय कुमार का भी नाम शामिल है जो भोजपुर में MVI के पद पर कार्यरत थे। इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। अवैध बालू खनन मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है, जिनमें से 4 DSP भी शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यालय के पालीगंज, भोजपुर, डेहरी और औरंगाबाद सदर के DSP को पुलिस मुख्यालय में अटैच कर लिया गया है। वहीं पालीगंज के SDPO तनवीर अहमद, भोजपुर के SDPO पंकज रावत, डेहरी के SDPO संजय कुमार और औरंगाबाद सदर के SDPO अनूप कुमार को जिलों से हटा दिया गया है। तो ये 4 SDPO यानी कि 4 DSP के नाम हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2 SP, 1 SDM, 3 CEO और 1 मोटरयान निरीक्षक का नाम शामिल है, जिस पर सरकार की गाज गिरी है। अवैध बालू खनन मामले को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 2 SP में सुधीर पोरिका, जो कि औरंगाबाद के SP रहे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ भोजपुर के SP राकेश दुबे को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोइलवर के CEO अनुज कुमार, पालीगंज के CEO राकेश कुमार और बारून के CEO बसंत राय का नाम इसमें शामिल है। वहीं विनय कुमार, जो कि भोजपुर में MVI के पद पर थे, उनको भी हटा दिया गया है और 4 DSP यानी कि 4 SDPO को मुख्यालय में डिटैच कर लिया गया है, जिनमें पालीगंज के SDPO तनवीर अहमद, भोजपुर के SDPO पंकज रावत, डेहरी के SDPO संजय कुमार और औरंगाबाद सदर के SDPO अनूप कुमार को जिलों से हटा दिया गया है। इन सभी बड़े अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि सरकार ने जब अवैध बालू खनन मामले को लेकर छानबीन करनी शुरू की तो ये सारे लोग उसमें दोषी पाए गए, संलिप्त पाए गए। अब सरकार की गाज पर गिरी है। धीरे धीरे करके इस मामले में और आगे कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि और कितने सफेदपोश अपराधी इस मामले में निकल कर सामने आते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।